Water, the source of life on earth. In Pakistan, especially in the provinces of Sindh and Balochistan, many communities have severely limited access to water. With the available water resources, in many places, salination and dissolved contaminants make the water unsuitable for human consumption. What is life without water? हम खाना कैसे बनाएंगे पानी ना है सन असली जिंदगी डाडी मुश्किल हो पानी एक अजीब नियमत है पानी ना रहा जिंदगी खत्म In 2015, after 10 years of responding to the many disasters in Pakistan, my team finally had time to look around and transition into some development work. And the first thing we noticed was very obvious, the water situation in Pakistan. जब हम लोग अपने water projects की assessment कर रहे थे, तो हमने पूरे पाकिस्तान में की उसमें जो most needy area हैं, वो सिंध और बलूचिस्तान के इलाके थे, जहाँ पे हमें ये लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे mostly projects वहाँ पर हैं। उसके अलावा KPK, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे different types of projects मौजूद हैं। वो पानी पीने के काबिल नहीं है क्योंकि उसमें जो है ना जानवर भी वहाँ से पीते हैं बिल्कुल ओपन है कि उसमें मिट्टी वगैरह जर्म्स बिल्कुल ही मतलब वो पानी पीने के काबिल नहीं है ख्वातीन दे उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे उनके लिए घर में छोड़ के चली जाती थी तो बहुत टाइम के लिए दो घंटे के बाद उनके लिए प्रॉब्लम होते थे छोटे बच्चों के लिए पानी मसली हो तो जैसे पैरियाँ सान तमाम पानी परे हों तो वो भिटन जा पंद हों वहाँ पानी की तकलीफ हों दी पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा इशू है कि प्रोजेक्ट्स को सस्टेन कैसे किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास CDRS के वॉलंटियर्स हैं उनके यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स हैं जो ट्वाइस अ मंथ एटलीस्ट हमारे प्रोजेक्ट्स को विजिट करते हैं वो लोकल लोग हैं और अगर उनमें कोई इशू हो तो वो हमें इन्फॉर्म कर देते हैं और उसके फौरन बाद हम उसको दोबारा से फिक्स करके अप एंड रनिंग कर देते हैं उसका ये फ़ायदा है कि फिर वो प्रोजेक्ट लंबे अरसे तक चलता है और हमारा सस्टेनेबिलिटी का इशू अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट्स में नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह CDRS वाले इधर आए थे उन्होंने विज़िट किया मुकम्मल तकलीफ़ हमारे देखी उनके बाद सोलर पैनल वाटर टैंक बोरिंग करके प्रोजेक्ट हमको मुकम्मल फाइनल करके दिया उनके बाद 24 घंटे हमारे पास पानी हो रहा है साफ़ पानी मीठा पानी है हम लोग CDRS और उसके जो डोनर्स हैं शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन लोगों ने इस एरिया में ये एक जो वाटर स्कीम दी है ये यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है असें पानी मिली हो जै जो असि ढा खुश आयू अल्लाह ताला असान एहसान कर अल्लाह ताला जिन यो समर्पण दिनों उन जजाकला खैर में बरकत इजाफो जुड़ियल झूंपा झांगन जा भगल तिन जा दर अल्लाह अड़ा घर आन तुझी आसरी जो यहाँ पे हमारे जो गरीब लोग हैं जो जिस झोंपड़ियों में टूटल भगल जो झोंपड़ियों में रहते हैं वो एक अल्लाह के सहारे है और एक आप जैसे नेक बंधु के सहारे है ये शेर कहता है अल्लाह पाक का शुक्र है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमारे 400 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं जो फुली फंक्शनल हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं और 2021 के इख्तिताम तक हमारी पूरी कोशिश है कि हम 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वो पूरे पाकिस्तान में कंप्लीट कर लें ऑफ कोर्स इसमें जो मोस्ट नीडी एरियाज़ हैं वो हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेंगे In the 5 years since CDRS started its water projects, we've gotten really good at what we do, and we would love to do a lot more. We've had a great start, but this is a country of 220 million people, and there's a lot of people still out there who need water. There's broken down water projects. There are areas that are experiencing climate change, and the effects are getting worse. So there's a lot of work to do out there. So if you can help us help others, we can bring water to so many Khubsurat and Zabardust children and families in Pakistan. Pani zindagi, pani se.